बेटा हसनैन को जानता है क्या? हसनैन हसनैन नहीं जानता है? Alright, so hey guys, welcome to my channel. It's me, Ashan. I'm back with a new video. So guys, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. 07 लवर के लिए खास वीडियो होने वाला है, तो उसे लास्ट तक देखना. एंड बता दूँ, ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं ये शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखा दूँगा. बहुत ही सीक्रेट चीज़ें दिखा दूँगा आप लोगों को. मैं सामने ही खड़ा हुआ इस चीज़ के. सो आज के वीडियो में बताने वाला हसनैन का घर. तो हसनैन का घर आज तक किसी ने नहीं बताया यूट्यूब पर. हाँ, बहुत से लोगों ने बता चुका है पहले, लेकिन हमारा वीडियो अलग होता है उनसे. तो आज मेरे साथ है अशरफ. ठीक है, आ जा अशरफ. तो ठीक है, तो अभी हसनैन का घर बताता हूँ. मैं इसके सामने खड़ा हूँ, धारावी में रहता है. धारावी में हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे. मैंने अभी बहुत पब्लिक है यहाँ पे, इसके लिए मैं ऐसा स्लो बात कर रहा हूँ थोड़ा. तो वही, तो पब्लिक के समय फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे काम चल रही है. पीछे धारावी में हम लोग को बिल्डिंग पीछे दिख रही है आप लोगों को. बिल्डिंग यहाँ पे लोग टेरिस पे शूट करते हैं. यहाँ पे सद्दू भी ये बिल्डिंग में रहता है, हसनैन भी ये बिल्डिंग में रहता है. तो वही बता दूँगा आप लोगों को, दोनों की बिल्डिंग में रहते. सो भी चलते हैं, देखते बिल्डिंग दिखा रहे. तो आप ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो आप लोग देख सकते हो वाली बिल्डिंग. ये वाली बिल्डिंग में रहता है हसनैन, और टेरिस पे लोग वीडियो शूट करते. धारावी में है बिल्डिंग. बिल्डिंग का एड्रेस तो नहीं बताऊंगा क्योंकि शॉर्ट हो जाएगा, है ना. ये वाली बिल्डिंग है, आप लोग देख लो अच्छे से. और मैं बता दूं, यहाँ पे जुम्मा का जो मीटअप होता है, जो भी वीडियो वायरल होती है जुम्मा की, वो यहीं से होती है. यहीं पर लोग वीडियो शूट करते वो सब. पीछे कैरम भी रखा हुआ, वहाँ पर लोग कैरम खेलते हुए रहते. मैंने ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है. वीडियो को अच्छे से देखना. अभी मैं एक और चीज़ बताता हूँ आप लोगों को. ये जो बिल्डिंग आप लोगों को दिख रही है पीछे, यहाँ पे सड्डू रहता है. और ये जो बाइक वाइक खड़ी है यहाँ पे, तो सड्डू ने, जिसकी पता आप लोगों को, KTM लिया, तो यहाँ पे पार्क करता हो सड्डू. ये सब वीडियो 07 लवर के लोग के लिए. मतलब मुझे क्या करना है, 07 के जितने भी लवर हैं लोग देखो, मेरी वीडियो को इंजॉय करो. यहाँ पे सब पार्क करता है सड्डू, ठीक है. अभी पीछे कैरम रखा हुआ है, यहाँ पे लोग कैरम खेलते बैठे रहते. वहाँ का ही वीडियो आप लोगों को दिखा देता हूँ अच्छे से, ठीक है. यहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा चांसेस है मिलने के, 07 वाले आप लोगों को मिल सकते. लेकिन जैसा मतलब रात कम चांसेस है. और एड्रेस मैं बता रहा नहीं हूँ क्योंकि एड्रेस किसका भी रिवील नहीं करना चाहिए. मतलब वो वीडियो टेक डाउन कर लेगा तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है. अपडेट आ जाएगा तो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है. तो अभी दिखा रहे थे आप लोगों को कैरम की जगह. ये बिल्डिंग के पीछे कैरम रखा हुआ है इतना बड़ा, तो लोग यहीं पे बैठे खेलते. हम लोग भी यहीं पे बैठे हुए और यहाँ पे कैरम खेलते रमज़ान में टाइम पास. हम लोग बैठे रहते इधर ही कैरम खेलते हुए धारावी में, ठीक है. और ये बच्चा इधर इधर ही कहाँ तू मिला नहीं कभी? अच्छा ठीक है, कैरम उन लोग का ही है क्या? कितने वाले खेलते हैं लोग? अच्छा ठीक है, तो सब लोग जानते हैं गली में धारावी में लोग सबको. बेटा हसनैन को जानता है क्या? हसनैन नहीं जानता है? तो टिकटॉक पे आएगा ना, बढ़ाएगा तो तेरे को पता चलेगा सब, ठीक है. हाँ सो वही. तो अभी जो भी था मैंने आप लोगों को दिखा दिया है. बिल्डिंग पीछे आप लोग देख सकते हो. एंड यहाँ पे पीछे बिल्डिंग के दो विंग हैं. यहाँ पे लोग सड्डू और हसनैन एक ही विंग में रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में रहते. सॉरी, विंग अलग अलग है शायद से. एंड यहाँ पे आप लोग आओगे तो सड्डू की बाइक KTM और हसनैन की भी है. हसनैन के पास भी है बाइक? हसनैन के पास नहीं है बाइक. हसनैन मतलब यहीं पे लोग दिखे रहते. आस खान भी आप लोगों को पता होगा, जो कि टिकटॉक स्टार है, वो भी यहीं पे. आप सब यहीं पे धारावी पे एस बोलो, सब लोग इधर रहते हैं. पीछे कैरम का है, कैरम बैठे टाइम पास करते हैं. मतलब पूरे एरिया में कहीं पे भी आप लोगों को दिख जाएगा धारावी में. लेकिन मैं एड्रेस नहीं बताऊँगा, आप लोग समझ जाओ अभी. धारावी एरिया जिसके पता होगा बिल्डिंग एंड एरिया समझ गया होगा, वो आ सकता है हम लोग मिलने के लिए. अभी ज़्यादा कुछ तो था नहीं वीडियो में, मैंने स्टार्टिंग वाला शॉर्ट वीडियो होगी, लेकिन मैंने बता दिया बिल्डिंग और टेरिस में लोग वीडियो शूट करते, जैसे कि आप लोग देख सकते हो टेरिस है वो, वहाँ पर लोग वीडियो शूट करते. अच्छे ज़्यादा कुछ था नहीं आज की वीडियो में बताने के लिए, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ बताया मैंने, बॉम्ब कंटेंट था. वही लाइक कर देना इस वीडियो को, नीचे कमेंट करके बता देना वीडियो कैसा लगा. एंड प्लीज़ शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.